गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.5 प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले 9 तक करा दिया था। यहाँ पर एक जो फंक्शन दिया हुआ है, सम है दो फंक्शन का, एक है एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स और प्लस, ये तो सिंपल है, डिवाइड रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो कहा इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए, यहाँ पर तो लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और एक्स जो है पावर के फॉर्म में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे मान लेंगे वाई, और ये इसको मान लिया कि ये वाई वन हो गया और हमने इसको मान लिया कि ये वाई टू हो गया। ये ठीक है, ये मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स With respect to x, x के रेस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला dy dx डी एक्स, और ये हो जाएगा dy वाई वन डी एक्स प्लस डी वाई टू डी एक्स। इसको देते हैं नंबर वन। अब dy वाई वन डी एक्स की वैल्यू निकाल करके यही रख देंगे। आइए चलते हैं 9। अब y1 को देखते हैं, y1 क्या है, y1 जो है वह x टू द पावर x cos x है। तो लॉग लेंगे क्योंकि लॉग इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि देखो एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स पावर के फॉर्म में है। तो यहाँ एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो यहां पर क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई वन इज इक्वल टू, तो ये क्या, ये पूरा आगे आ जाएगा एक्स कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स। लेकिन अब यहां पर देखिए तो एक्स है, कॉस एक्स है, लॉग एक्स है, तो इसको क्या कर, ऐसा करना किया जाएगा, ये एक्स तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब फिर से एक बार लॉग ले लेते हैं, नहीं तो फर्स्ट सेकंड करो फिर इसको, एक काम करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से लॉग लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, आपको दिख रहा है, नीचे दिखा जा सकता है, हाँ यहाँ पर अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से लॉग ले लिया। अब जब फिर से लॉग लेंगे, क्योंकि देखो log y1 यहां तीन का प्रोडक्ट है, x है, तो अगर इसको हम सम बना लेते हैं तो ऐसा करते हैं, इस पे हर बार फिर से log लेंगे, ये log y1 का log लेंगे दोनों साइड में। जब log लेंगे तो ये log x प्लस log x सब log में आ जाएगा। तो यहां तक आप कॉपी कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां log y1 x x into cos x into log x, फिर से log ले लिया, taking log on both sides। फिर से जब log लिया तो ये तो हो जाएगा log of log y1, ऐसे समझे, ठीक है, ये ले लिया। अब यहां पर जब हम log लेंगे तो ये सब प्लस में हो जाएगा, log of x plus log of cos x plus log of log x। ये तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, ऐसे log लिया गया है। अब यहां देखते हैं, ठीक, हाँ अब यहां देखो, ये log है यहां पर, log of log y1 is a function of a log y1 and is a function of y1 and y1 is a function of x। बात समझ में आई, log of log y is a function of log y1 and y log y1 is a function of y1 and y1 is function of x। तो जब हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो पहले log of log y1 को log y1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर log y1 को y के डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, फिर y1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये सब चीजें आपको आने लग गई होंगी, काफी दिन से आप पढ़ रहे हो, पिछली रिकॉर्डेड वीडियो हमारी सब देख ली है, आपको सब समझ में आ जाएगा, पीछे वाली सारी रिकॉर्डेड वीडियो आप देखिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने लॉग लिया
तो ये log, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ y1, और फिर से log y1 का हो जाएगा 1 अपॉन y1, और फिर आगे इसी में dy1 और dx इस तरह से मिलेगा। अब log x का आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस, इसको log cos x है तो log cos x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और cos x का आ जाएगा माइनस sin x। ये खत्म हुआ। अब इसको इस तरह डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन log ऑफ x, log ऑफ x आएगा, और फिर इंटू log x का 1 अपॉन x आएगा। अब हमें क्या करना है, dy1 dx को इधर रखना है, बाकी सबको इधर लेकर के जाना है। तो dy1 और dx इधर रहेगा, बाकी y1 इधर हो गया, और log ऑफ y1 ये इधर आया, और इसके बाद ये ब्रैकेट बनाइए। देखो आप चाहो तो साइन अपॉन कॉस को टेन एक्स में भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जो आपका एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो टेन के फॉर्म में नहीं है। अगर आप चाहो तो साइन अपॉन कॉस टेन में लिख करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन आप जब आंसर मैच करोगे तो आंसर में टेन नहीं दिया हुआ है तो साइन कॉस के टर्म में ही है, तो इसको आप साइन अपॉन कॉस आपकी मर्जी टेन बना लो। तो बच्चे क्या होता है ना, कभी कभी आंसर मिलाते हैं और उनको लगता है कि अब तक आंसर नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारा गलत है। तो अगर आपको आंसर मिलाना ही है तो साइन अपॉन कॉस को रहने दीजिए, नहीं तो साइन अपॉन कॉस को टेन लिख दीजिए, तभी डिफ्रेंशिएट करना होता, डिफ्रेंशिएट हो गया, कहाँ एग्जाम में आपको आंसर थोड़ी मिलेगा। तो ये देखिए, चलिए इसको 1 अपॉन x लिखते हैं, 1 अपॉन x लिख दिया, और देखो प्लस माइनस माइनस, और इसको ऐसे रहने देते हैं साइन x अपॉन cos x। हालांकि tan x लिख सकते हो, लेकिन जब नहीं दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन x log of x। ये इतना हो गया, तो इसके लिए ये वाला ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक, अब देखो अब सबकी वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं, इसका काम तो खत्म। अब इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर y1 की, y1 की वैल्यू रख दिया जाए तो y1 की वैल्यू क्या है, x है, x है cos x है, फिर log है, log log y1 की वैल्यू फिर से वही x टू द पावर x cos ऑफ x, और ये बाकी इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा x x x एलसीएम आएगा, x के बाद cos x आएगा, और उसके बाद log ऑफ x एलसीएम हो जाएगा। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो x कटेगा, यानी cos x log x, cos x log of x आएगा, माइनस यहां पर cos x से cos x कट जाएगा, तो cos x कटेगा तो sin x, यानी यहां आएगा x sin x, sin x के बाद log x आ जाएगा, log x आप लिख दीजिए, और उसके बाद x से log x कट जाएगा, तो यहां सीधा सीधा आप लिख सकते हो प्लस cos x, ऐसे cos x। ठीक है, cos x थोड़ा ऊपर लिख दिया है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं, ये तो हो गया x टू द पावर x cos x। अब ये देखो तो यहां log लगा हुआ है और ये पूरा पावर है, तो ये आगे चला जाएगा, यहां x cos of x आएगा, उसके बाद log of x आ जाएगा, log of x आ जाएगा, और यहां देखिए ऐसा करते हैं, यहां से इस cos x को, और cos x को ले लेते हैं कॉमन। जब हमने cos x को कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा, 1 और प्लस, और ये log x बच जाएगा, log of x इसको लिख लो, और यहां बचेगा माइनस एक्स, एक्स साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, और अपॉन में एक्स कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स। तो यहां से देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, एक्स से एक्स कट गया, कॉस एक्स कट गया, लॉग एक्स कट गया, ये सब कट गया, मतलब नीचे वाला सब खत्म हो गया। अब आया क्या, हमारे पास जो आया है x टू द पावर x cos x, और यहाँ पर cos x 1 प्लस log x माइनस x sin x log x, ये आया हुआ। तो नीचे लिखने पर दिखेगा आपको,
दिख पाएगा। हाँ से देखिए, जो हमने नीचे लिखा हुआ था नीचे वाले को यहां लिख दिया, ठीक है ऊपर, तो ये नंबर टू हो गया। अब हम लेकर चलते हैं वाई टू को। नाउ या अगेन अगेन, अब वाई टू क्या है? वाई टू तो ये सिंपल है, वाई टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई टू और ये आया डी एक्स, तो डिवाइड रूल लगाएंगे। हाँ डिवाइड रूल, तो डिवाइड रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिवाइड रूल आप जानते ही हो, उसका फॉर्मूला आपको पीछे बताया हुआ है पीछे, तो इसका इसको जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये तो हो जाएगा टू एक्स, ये आएगा और बनकर जीरो हो जाएगा, उसके बाद माइनस लगेगा, फिर ये उतर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर डिनोमेटर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स, ये आ गया और नीचे आ जाएगा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई dy dy2 dx, के बाद इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2x को ले लेते हैं कॉमन, तो जब 2x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x square minus 1 minus x square minus 1, ये आ जाएगा और ये आया x square minus 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए कट गया और 1 1 माइनस 2, यानी डी वाई टू और डी एक्स जो है वो आ जाएगा 4 minus 4x upon x square minus 1 whole square, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड हो गया, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों हमने बता दी, ये सेकंड है ये थर्ड है, और फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी सेकंड और थर्ड की वैल्यू उठा करके आपको फर्स्ट में रख देना, आंसर आ जाएगा। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं, हाँ तो कॉपी कर लीजिए, बताते हैं नेक्स्ट। ये फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या था? डी वाई डी एक्स था फर्स्ट, डी वाई वन डी एक्स प्लस डी वाई टू और डी एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया तो फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट था कंपेक्ट। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पहला और दूसरा और तीसरा, तीसरे से क्या आया डी वाई डी एक्स आ गया। चलिए वैल्यू रखना शुरू करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है डी वाई वन डी एक्स की, तो ये जो निकला है ये है, तो आपका डी वाई टू डी वाई वन है और ये डी एक्स है, ठीक। ये और ये डी वाई वन है, ये डी वाई टू है, ठीक। ये डी वाई वन डी एक्स है, ये डी वाई, तो अब चलिए डी वाई वन डी एक्स की जगह पर ये रख देंगे, एक्स कॉस एक्स cos x 1 plus log of x minus minus x sin x log of x, ये हो गया, और उसके बाद ये आता है dy2 dx, तो minus 4x upon एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। आंसर का मतलब ये तो पूरे का बाहर, तो ये ब्रैकेट यहाँ नहीं रहेगा, ठीक। ये वाला ब्रैकेट यहाँ, ये ब्रैकेट यहाँ रहेगा,
नहीं, सही है, ये ब्रैकेट एक यहाँ रहेगा, ये अलग से क्या रहेगा, सबसे ठीक ऐसे ही रहेगा, ये है ना, ये पूरा ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ से ये, तो इसको हमने पहले लिख दिया यहाँ तक, और उसके बाद माइनस ये थर्ड वाला उसको वहाँ ये बन गया, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, थैंक यू।